टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। 8 महीने पहले दलजीत कौर ने केन्या बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से शादी की थी, जो अब खराब अंत के बाद टूट चुकी है। निखिल पटेल अपनी पहली वाइफ से बिना तलाक दिए दलजीत कौर से शादी की थी। दलजीत कौर से शादी करने के बाद निखिल पटेल फिर से किसी और लड़की के साथ रोमांस फरमा रहे थे, जिसके कारण दोनों का रिश्ता बिगड़ गया और बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी है। दलजीत कौर खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के कंटेस्टेंट रहे शालिन भनोत की एक्स वाइफ है। शालिन भनोत और दलजीत कौर का एक बेटा भी है। उनका बेटा दलजीत कौर के साथ ही रहता है। दूसरी शादी से चोट खाने के बाद दलजीत कौर अब सड़क पर आ गई है, ऐसा उन्होंने खुद ही बताया है। अब दलजीत कौर ने यह भी बताया है कि उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। आज वह उस शख्स से दूर जा चुकी है जिसके लिए उन्होंने अपना घर बेचा था। आइए हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दलजीत कौर ने हाल ही में अपना ट्रैवल ब्लॉग शुरू किया है, जिसमें वह अपने बेटे जेडन के साथ दुनिया घूम रही हैं और अपनी जिंदगी की कहानी बता रही हैं। दलजीत ने अपने हालिया ब्लॉग में बताया कि उन्होंने अपना बचपन का घर बेच दिया है। दलजीत ने खुलासा किया कि फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। उन्होंने अपना बचपन का घर बेच दिया है और अब वह घर की तलाश में इधर उधर भटक रही है, लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारते हुए यह भी कहा है कि यह मेरे लिए नया मौका है। वह अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रही हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि वह 9 साल तक उस घर में रही थी। लोग प्यार में अपनी आर्थिक स्थिति भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं, जो मैंने भी किया। आपको बता दें कि दलजीत कौर ने रोते हुए अपना दुख साझा किया और बताया कि वह किस तरह मजबूरी में जी रही हैं। इसके साथ ही दलजीत का यह भी कहना है कि अब वह घर नहीं खरीदेंगी, किराए पर ही रहेंगी और अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करेंगी। वेल दोस्तों, दलजीत कौर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।